आमतौर पर सरकारी स्कूलों को औसत दर्जे का और असफल माना जाता है। यह माना जाता है कि उनका बुनियादी ढांचा अपर्याप्त और उपेक्षित होता है। शिक्षक स्कूल में आते ही नहीं, अगर आते हैं तो पढ़ाते नहीं, और अगर पढ़ाते हैं तो बच्चे सीखते नहीं। अधिकांश सरकारी स्कूलों के बच्चे कई साल तक स्कूल में पढ़ने के बावजूद न तो पढ़ लिख सकते हैं और न ही बुनियादी गणित जानते हैं। केवल बहुत गरीब लोग ही अपने बच्चों को स्थानीय सरकारी स्कूल में भेजते हैं। लेकिन अब टेक्निकल युग में सब कुछ संभव है। ऑनलाइन पढ़ाई करने के साथ साथ सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई करके अच्छा मुकाम हासिल किया जा सकता है, और इस बात को साबित कर दिखाया ग्राम अहमदपुर के गांव की कोमल पटेल ने, जिसने यूट्यूब से पढ़कर गांव की बेटी ने नीट एग्जाम में सफलता हासिल की है। खंडवा के पास अहमदपुर के गांव की कोमल पटेल ने गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर सफलता हासिल की। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया यूट्यूब से पढ़ाई कर नोट्स बनाए और नीट क्रैक किए। ग्राम सरपंच प्रतिनिधि मधु पटेल और डॉक्टर राधेश्याम पटेल ने कहा कि इस इंटरनेट के युग में बालिका का नीट में सिलेक्शन हुआ है। कोमल पटेल के पिताजी अनुखलाल पटेल का कहना है कि हमारा संयुक्त परिवार है, हम दो भाइयों की 5 लड़कियां हैं और सभी सरकारी स्कूल में पढ़ती है और सभी अच्छे रास्ते पर चल रही हैं। एक बिटिया आगे जाकर इंजीनियर बनेगी तो दूसरी का पायलट बनने का सपना है। वहीं कोमल ने सरकारी स्कूल से पढ़ाई कर जो उपलब्धि हासिल की है और गाँव का रोशन नाम रोशन किया है। बालिका ने यूट्यूब पर ऑनलाइन पढ़ाई की है और इसके साथ साथ सरकारी स्कूल से भी पढ़ाई की है। आज भी सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे आगे बढ़े हैं, इसलिए सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में जो बड़े स्तर पर फीस ली जाती है उसका बोझ किसान पर पड़ता है, जिससे बच्चे की पढ़ाई भी छूट जाती है। जी, अपना नाम बताइए और आपने कितने मार्क्स से नीट में? मेरा नाम कोमल अनोखीलाल पटेल है और मेरे नीट में मार्क्स थे 418 और मुझे कॉलेज मिला है सुख सागर मेडिकल कॉलेज जबलपुर। तो ये आपने कैसे तैयारी की, कौन से स्कूल में आप पढ़े लिखे, पहली से लेकर बारहवीं तक क्या रहा आपका सफर? पहली से बारहवीं तक तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, यहीं पे अपने गांव में अहमदपुर के गांव में जहाँ पर मैं रहती हूँ। और उसके बाद मैं इंदौर गई थी प्रिपरेशन के लिए अपनी। मैंने ऑनलाइन भी किया है और ऑफलाइन भी किया है। ऑनलाइन में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करती थी और मैंने एक कोचिंग भी ज्वाइन की थी। ऑनलाइन में आपने किस चीज से पढ़ाई की है? ऑनलाइन मैंने यूट्यूब की हेल्प ली थी। और आप जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ी थे, सरकारी स्कूल का नाम बताइए और आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे लोगों की मानसिकता रहती है आजकल माँ बाप की भी या बच्चों की भी, सरकारी स्कूल वाले जो बच्चे रहते हैं वो पिछड़ जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता, स्कूल क्या कहेंगे? मेरे स्कूल का नाम था शासकीय माध्यमिक शाला अहमदपुर खेगा। और ऐसा जरूरी नहीं कि प्राइवेट में ही पढ़ाई होती है, गवर्नमेंट में भी होती है अगर बच्चे करे तो अच्छे से। टीचर्स पढ़ाते हैं, बच्चों का भी योगदान होता है कि वो पढ़े। टीचर्स तो पढ़ाते हैं पर बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते और फिर वो सारा दोष देते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल ऐसी होती है, जबकि ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाई होती है पर बच्चे नहीं करते, मस्ती करने जाते हैं वहाँ पे सिर्फ और कुछ नहीं होता। तो आप आपके टीचरों को भी कुछ कहना चाहेंगे आपके सिलेक्शन पे? हाँ, टीचर्स का बहुत साथ है। उन्होंने मतलब जो भी स्कूल में भी मेरे बहुत डाउट वगैरह जो भी आते थे क्लियर करते थे, और जो भी मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी या फिर ऑनलाइन यूट्यूब से जैसे भी किया वगैरह, जो भी मेरे डाउट्स आते थे वो भी सब टीचर्स वगैरह क्लियर करते थे। कितनी खुशी हुई आपको जो आपका नीट में सिलेक्शन हुआ है, गांव गांव आपका नाम भी हो रहा है? बहुत खुशी है, वो तो है, पापा से ज्यादा नहीं है पर है खुशी। जी बताइए, अपना नाम बताइए और आपकी बेटी का कहाँ सिलेक्शन हुआ, कितने मार्क्स है? मेरा नाम अनोखीलाल पटेल है, मैं ग्राम अहमदपुर खेगांव का निवासी हूँ। मेरी दो बालिका हैं और दोनों बालिका गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। अभी मेरी बालिका का जिनका नाम कोमल पटेल है, उनका MBBS सुख सागर मेडिकल कॉलेज जबलपुर में सिलेक्शन हुआ है। उनके 420 मार्क्स है। ये सिलेक्शन इसलिए हुआ है, इसकी वजह गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होती और प्राइवेट स्कूल में रहती तो 550 भी होते तो नहीं होता। मतलब मैं आभारी हूँ सरकार गवर्नमेंट स्कूल का, जो मेरी बालिका का MBBS में चयन हुआ है। और दूसरी बात, मतलब मैं किसान परिवार से हूँ, संयुक्त परिवार से हूँ, 3 भाई का परिवार है और परिवार में 5 लड़कियां हैं। सभी लड़कियों को मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे दूसरे माता पिता? मैं संदेश यही देना चाहूंगा कि जो लोग बाग या बाहर से लगभग लड़के लोग बाग बोलते हैं कि प्राइवेट में पढ़ूंगा, मतलब सरकारी में पढ़ाई नहीं होती, मैं तो ये सिद्ध कर चुका हूँ मेरी बालिका के द्वारा कि पढ़ाई गवर्नमेंट की बजाय, ये प्राइवेट की बजाय सरकारी में बहुत बढ़िया होती है। और मैं डबल कहूंगा कि प्राइवेट की बजाय सरकारी बालिकाओं को बच्चों को पढ़ाए। जी ये बताइए, ये जो बच्ची ने तैयारी करी है सोशल मीडिया से तैयारी करके, इसका सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, पहले तो आपको पुनः एक बार और पत्रकार महोदय जी को बधाई देना चाहता हूँ
कि पूर्व में भी मेरा इंटरव्यू लिया गया है, हमारे गांव से दो गुड़ियाओं का नीट में सिलेक्शन हुआ है, एक अंतिम पटेल और एक कोमल पटेल, जो दोनों गुड़ियाओं ने गांव में सरकारी स्कूल से पढ़कर ये जो उपलब्धि प्राप्त की है और गांव का नाम रोशन किया है, उसमें सोशल मीडिया में यूट्यूब होता है के माध्यम से भी पढ़ाई की है, कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाई करके, और जो सरकारी स्कूल के माध्यम से जो बच्चों ने गांव का और सरकारी स्कूलों का नाम जो रोशन किया है, मैं सारे लोगों को यही कहना चाहूंगा कि सारे बच्चों को जो पीछे जो हुआ वो ठीक है, जो जहाँ भी पढ़ रहा है उससे कोई तकलीफ नहीं है, पर जो गवर्नमेंट की जो मंशा है या गवर्नमेंट जो कहना चाह रही है या जो गवर्नमेंट ने आरक्षण दिया है, उस माध्यम से सारे लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ाएं और अपने बच्चों का भविष्य सुधारें, और बहुत मोटी मोटी सरकारी स्कूलों में जो फीसें लगती है, प्राइवेट स्कूलों में जो फीसें लगती है, उसका भी किसान पर बोझ कम होगा। सरकारी स्कूलों में मात्र 100-400 रुपए फीस लगती है, उसके माध्यम से बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी, कुछ मीडिया यूट्यूब का भी सहारा लेकर बच्चे पढ़ सकते हैं। आज तो सोशल मीडिया का समय है, बहुत बच्चे होशियार हैं, सभी सब्जेक्टों से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और देश का, गांव का, जिले का नाम रोशन कर सकते हैं। क्या नाम लिखते हैं? मैं डॉक्टर मनोज बारंगा, सरपंच प्रतिनिधि हूँ। जी डॉक्टर साहब, बताइए आपकी बच्ची, गांव की बच्ची का सिलेक्शन हुआ, इसमें यूट्यूब से पढ़ाई क्या, कैसे क्या देखते हैं? सर्वप्रथम तो खंडवा जिले के आनंदपुर खेगांव के पावन पुण्य भूमि पर अन्नू भाई चौधरी की सुपुत्री कोमल ने जो शासकीय स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, उच्चतर माध्यमिक शाला यानी बारहवीं तक की जो पढ़ाई की है शासकीय स्कूल से की है और उन्होंने नीट में सफलता पाई है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये बधाई केवल एक सामान्य बात नहीं है, असाधारण प्रतिभा की धनी कोमल ने वो काम कर दिखाया कि आज 550-500 नंबर लाने के बाद नीट में उनका चयन नहीं होता शासकीय कॉलेजों में या प्राइवेट कॉलेजों में, लेकिन उन्होंने 418 नंबर प्राप्त करके नीट में रैंक में उन्होंने सुख सागर मेडिकल कॉलेज जबलपुर में प्रवेश पाया है, वो धन्यवाद की पात्र है। और अन्य जो छात्र छात्राएं उनके साथ के कलीग हैं या पूरे जिले लेवल नहीं राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर जो पढ़ रहे हैं, उनको लगेगा कि शासकीय स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है और प्रतिभा प्रकृति प्रदत्त होती है। उन्होंने अपने प्रतिभा का दोहन किया है और मेडिकल के क्षेत्र में अपना कदम रखा है और ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है और आने वाले समय में भी इस बात से प्रेरणा प्राप्त करके अन्य छात्र भी जो है